दोस्तों हम गुरेज जा रहे थे, अचानक हमको गाड़ी रोकनी पड़ी बीच सड़क में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध है और यहाँ के रास्ते नहीं दिखाई दे रहे अच्छे से, इसलिए हमने गाड़ी यहाँ पे रोकी। मैं सभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी उनको गुरेज वैली जाने का इरादा हो तो वेदर पहले ही चेक किया करें, क्योंकि जब यहाँ पे मौसम ख़राब होता है तो यहाँ पे फिर कुछ दिखता नहीं है, गाड़ी चलानी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बाकी आप गुरेज वैली जाओ, मज़े करो। घर से 6 घंटे सफ़र करने के बाद फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ इस खूबसूरत गुरेज वैली में। दोस्तों यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, भीड़ देखने के बाद लगता है यहाँ पे आधे से ज़्यादा कश्मीर मौजूद है आज, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और कैंपिंग टेंट साथ लाते हैं, लेकिन यहाँ पे कैंपिंग टेंट लगाने नहीं देते हैं क्योंकि आपको यहीं पे किराए पे लेना पड़ेगा कैंपिंग टेंट, और जो आप खुद का साथ लेते हो घर से वो यहाँ पे आप नहीं लगा सकते हो क्योंकि वो यहाँ के रूल्स के ख़िलाफ़ है। दोस्तों बाकी आप देख सकते हो कश्मीर की एक बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत जगह है, आप देख सकते हो वीडियो में, मैं आपको पूरी तरह से ये जगह दिखाऊंगा, चारों तरफ आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त जगह है। दोस्तों कमज़ोर दिल वाले गुरेज वैली नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये जो पहाड़ है ये 2400 फुट ऊपर है, इसको क्रॉस करने के बाद आप गुरेज वैली पहुंच सकते हो। इन शॉर्ट कमज़ोर दिल वालों के लिए गुरेज वैली है ही नहीं।